आज हम आपको बताएंगे कि सफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने ये ले लेना है, उसके बाद अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपने फिर भी ये ले लेना है। उसके बाद आपने जगह ढूंढनी है कोई अच्छी सी जहाँ पे हल्का फुल्का सा गंद पड़ा हो, जैसे कि ये जगह है, तो आपने इसके ऊपर ऐसे करके सफाई कर दी। तो ये है मेरे पास USB मिनी वैक्यूम क्लीनर। इसका क्या सिस्टम है कि ये थोड़ा बोलना सिस्टम क्लीन कर देता है। इसको मैंने AliExpress से बाय किया है, वहाँ से तकरीबन प्रोडक्ट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, 30 से 40 दिन लग गए थे। उसके बाद आपको ये तकरीबन हर वेबसाइट पे मिल जाता है। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट चल रही थी 377 रुपीज़। इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल आपको एक वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, उसके बाद ये ब्रश मिल जाता है, एक USB पोर्ट मिल जाता है आपको। यहाँ पे इसका ये एक कनेक्टर, ठीक है, ये एक रबड़ लगी हुई है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ये जैसे मर्जी से करो, कोई टेंशन नहीं। इसकी ये वाली जो ग्रिप है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब काफ़ी सारी लूज ग्रिप है, आराम से निकल जाती है, थोड़ा सा लगे साइड पे। उसके अलावा यहाँ से आपको चेक करवाता हूँ, इसको आप खोल भी सकते हो इन केस के अगर डस्ट वगैरह, मतलब आप कोई चीज़ें इसको वैक्यूम करते हो तो कोई चीज़ें अंदर चले जाती है, तो उसको खोल के खाली साफ़ कर सकते हो, हालांकि इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे खोल सकते हो। और ये अंदर से ये सिस्टम है इसका, ठीक है। ये एक ना बिल्कुल एक फ़िल्टर सा लगा हुआ है, बिल्कुल पतली सी लगी हुई है, जिसके अंदर से ना इसका मसला ये है कि इसके अंदर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको चेंज करके ना यहाँ पे कोई और चीज़ लगा लो, कोई पतली सी ना कोई चीज़ कपड़ा सा भी लगा लो ना, वो काम करेगा इससे ज़्यादा अच्छा ना। क्योंकि क्या होता है सीन कि इससे जब वैक्यूम करते हो ना आप डस्ट को, तो डस्ट क्या होती है, इससे वैक्यूम होके मतलब अंदर चली जाती है, तो वो यहाँ से पंखों से ना, यहाँ से साइड्स पे जो बने हुए हैं विंड से, इससे ना बाहर आ जाती है वापस से। तो ये इसका मसला है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे एक लाइट है इसकी और यहाँ पे इसका ना बटन है। ये वापस ज़रा थोड़े टेक्निक से होता है, मतलब आपने ज़रा अच्छे से देख के फिर इसको वापस से बंद करना, आपको इतनी आसानी से ना ये वापस बंद नहीं होगा, तो अच्छे से देख लेना फिर इसको वापस बंद करना है। हो गया बल्कि बंद, नहीं नहीं उल्टा हुआ है। तो ये इस तरह ही होता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे अच्छे से बंद नहीं होता। तो इसको ज़रा देख के ऐसे करके, मतलब आपने खुद ही देख लेना, अब बंद हो गया, ठीक है। अब ये इसके आगे ये लगा दो, ठीक है। अगर आपको कोई डस्ट वाली जगह है तो उसके आगे हम लोग ये लगा सकते हैं, ताकि ये पहले डस्ट को ऐसे ऐसे हटाए, उसको मतलब थोड़ा सा हवा में लेके जाए, उसके बाद ये इसको वैक्यूम कर ले। इसके अंदर ना यहाँ वो बने हुए हैं सुराख से। इसको गाड़ी में टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है, मतलब इसमें भी बनता है यार। आपको दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन हमने बैठे किसी और में। चेक करो, कप होल्डर थोड़ा सा गंदा है, इससे हमने थोड़े से पत्ते फेंके हैं, और यहाँ पे भी ज़रा गंद गुंद पड़ा हुआ थोड़ा बहुत ना। तो यहाँ पे तो एक तो आप पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हो इसको, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे चार्जर के साथ, यहाँ पे जो चार्जर है इसके साथ इसको प्लग करते हैं। USB पोर्ट जहाँ भी हो ये चल पड़ा, ठीक है। और ये और ऐसी जगहों पे देखो ना, हार्ड डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब हार्ड डाल के निकालना काफ़ी एक हार्ड सीन हो जाता है। तो अभी ये चेक करो ज़रा, अंदर दिखा पहले, ये चेक करो जी, बिल्कुल उसने खाली कर। अभी मैं ना कपड़ साफ कर रहा था, तो अभी इसमें चेक करो आप, यहाँ पे कपड़ा भी, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, थोड़ा थोड़ा कम है। यहाँ पे कपड़ा तो पता फेर ले, चलो कपड़ा फेर भी लिया तो साइड पे कर लिया, तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसको निकालना ऐसे हाथ के साथ पकड़ के निकालना मुश्किल हो जाता है, मतलब चलो इतना सा निकल भी गया, ये लो निकल गया, अब ये वाला रह गया। तो ऐसी जगहों पर ना इसको इस्तेमाल मेरे ख्याल में किया जा सकता। ये चल गई है, अब यहाँ मुझे काम चेक करो इसको, ये सारा इसने गायब कर देना। काफी क्लीन जा रहा है यार, वो कोने में चेक करो, वो कोने का चेक करो, ये चेक करना भी, वो देखो गायब, ठीक है। अभी काफ़ी खाली है, ठीक है यार, काफ़ी अच्छा हो गया। मैं इसी के साथ कर रहा था तो मुझे एकदम से ना याद आया कि यार ये भी तो हमारे पास है, तो फिर मैंने फ़ोटो लेके आया, मैंने कहा सामने वीडियो भी बना लेते हैं, हम चांस मिस नहीं करते। तो यार अभी मैंने लैपटॉप के ऊपर ना काफ़ी सारा गंद फेंक दिया है, कुछ पत्ते फेंके हैं और घास वल के फेंका, पत्ते नहीं फेंके, ठीक है, गलत बयान नहीं करनी। उसके अलावा कागज़ फेंका और सारी मिट्टी फेंकी है, ये फेंकने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। वैसे आपको ना एक टेस्ट दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह सफाई सफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ना लैपटॉप में प्लग करने वाले, पावर बैंक के साथ यूज़ कर सकते हो, तो हम लोग इसमें लैपटॉप में प्लग करते हैं, ठीक है। इसको लैपटॉप में प्लग कर दिया, उसके बाद ना आपने यहाँ पर एक बटन है इसका, ठीक है, उस बटन को हमने राइट साइड की तरफ करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। इसका काफ़ी साउंड, अगर आप चेक करो ना, आपको आवाज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि फ़ैन अंदर मूव करता है,
और जब इसको आप चला दोगे इसके अंदर एक वाइट कलर के नीचे लाइट भी चल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऑन करके इसकी सफाई चेक करते हैं कि ये कैसा साफ करता है, मतलब इसको सारा ये मिट्टी है ये कागज़ को करते हैं सारा कुछ चेक करता है कि नहीं, ये चेक करें ज़रा। ये तो पंखे की आवाज़ से ही जा सकता है, ये चेक करो। अगर आप इसके मुंह से बड़ी ही चीज़ इसके अंदर डालोगे ना तो वो यहाँ पे फंस जाएगी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, अगर मैं इसको उतार के डालता हूँ ना वाला क्या सिस्टम होता है चेक करने वाला। ये सारा ही ले गया अंदर, ये चेक करो ज़रा सारे ही अंदर। तो ये इसका थोड़ा सा सिस्टम है, इसका जो मेन चीज़ है वो इसी कामों के लिए बना हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें ना आप इसके ऊपर से ना उठा सकते हो, और ये लैपटॉप के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तो इस तरह भी करता हूँ, मैं आपको मिट्टी चेक करवाता हूँ जो उसका मेन वो ना ख़राब सी सिस्टम है, ये मिट्टी चेक करना। ये यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है ना, ये अब मिट्टी इसके अंदर से गई है और यहाँ से निकलना शुरू हो गई है, ये चेक करो यहाँ पर ना आपको छोटी छोटी मिट्टी के ना वो नज़र आ रहे होने, वही ज़रा पास से दिखा, ये छोटे छोटे ना आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये सारे मिट्टी के, क्योंकि ये मिट्टी उड़ के ना तो ये सारी इधर से तो चले गई, गायब हो गई, लेकिन स्क्रीन के ऊपर सारी पड़ गई है, ये स्क्रीन के ऊपर आप चेक करो, स्क्रीन के ऊपर सारी पड़ गई और लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर सारा, मतलब और ज़्यादा घंटा लग गया और फिर भी आपको ने साफ करनी पड़ेगी। तो ये मेन जो इसका सिस्टम है वो मिट्टी के लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर आप मिट्टी के लिए करना ना तो आपको अंदर ये जो फिल्टर है ना इसका ये चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह कुछ छोड़ लगाना पड़ेगा ताकि मिट्टी इसके अंदर से ना जाए, अगर मिट्टी इसके अंदर से कोई छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट के निकल गए तो वो वहाँ से पंखे की तरह से ना बाहर आ जाएंगे और आपके हाथ में ना इस तरह भर देंगे, ये चेक करो आप, हाथ भी इसने काफ़ी ना गंदा कर दिया, तो ये वाले काम होते रहेंगे, तो इसको इस तरह नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है, मतलब डस्ट के लिए इसको नहीं यूज़ किया जा सकता। जो लोग इसको साफ़ करना चाहते हैं और उनके पास ये नहीं है, ये वाली नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, आराम से ऐसे उल्टा करो यार। सारा कुछ गायब, जरूरत ही नहीं है ऐसे करने की, तो ये भी एक अच्छा तरीका यार, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके दो मिनट में हाथ फेरो और उसको करो डन। अगर मिलता हूँ आपको इसी तरह की न्यू वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना सफाई सफुई करो, बाय बाय।